गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब हम आपको याद दिलाते हैं पिछले साल मॉडल में हमारी कई नए और पुराने लोगों से मुलाकात हुई। जोरदार तालियों से मिस मिलबर्न का स्वागत कीजिए। मैं आज यहाँ आई हूँ एक ओपन कन्वर्सेशन के लिए जो है SEX के बारे में। अरे खोपड़ी तोड़, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम ही विवीन ओडिसानिया हो? हाँ, मैं ही हूँ। ये किस ग्रुप में है? पर नए लोग अपने साथ लाए नई प्रॉब्लम्स। I'm sorry. तुम्हें गर्लफ्रेंड मिली भी तो वो तुम्हारी बहन बन गई। और थोड़ी देर के बाद एंटी क्लॉकवाइज किया। तुम उंगली गड़ा रहे हो। पिछले टर्म में कुछ स्टूडेंट्स ने दिखाई दिलचस्पी नई चीजों में, जैसे मे वाइलिंग। तुम हमारी नई क्विज हेड हो। जैक्सन मार्चेटी बना स्कूल प्ले का स्टार। ये सब मुझसे नहीं हो। तुम हमेशा एक्टिंग करते रहते हो जिम में चोट खाने के बाद। नौकरानी भी उससे ज्यादा खूबसूरत नजर आती है। जी हाँ, और फिर मॉडल में केक का क्रेज शुरू हुआ। लेकिन बस में एक आदमी ने मेरे पैर पर ही मैस्टरबेट कर दिया। हम अभी पुलिस के पास जाएंगे, इस पर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। सॉरी, डर से मेरी ही निकल गई थी। अच्छा, कोई जल्दबाजी नहीं है, अच्छी तरह याद करो। मॉडल में बिना सरप्राइजेस के पूरा साल मुमकिन नहीं। और मैं भी तुम्हें जाने लगी थी, लेकिन मैं डर गई थी और इसलिए मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। ये ठीक नहीं है। मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मैं वाइली को सिर्फ लोगों की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करना आता है, उसे किसी की परवाह नहीं है। वो शायद इस लड़के को अपने साथ लाई है ताकि मुझे जेलस फील हो। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा सेल्फिश इंसान से मैं कभी मिला। लेकिन वो जख्मी हमें खास बनाते हैं, इस लिहाज से मैं और तुम बहुत ही खास हैं। तो किस करने पे ऐसा फील होता है? I'm really sorry, Otis. और फिर अगले दिन काफी ज्यादा गड़बड़ हो गई, और मैं सिर्फ ओटिस के पेट की बात नहीं कर रहा हूँ। को मिस्टर हेंड्रिक्स के साथ गंदी बातें करना पसंद है। बड़ी अजीब बात है। ये जीन ने क्या किया? मैं तुम्हारे डैड को डिवोर्स दे रही हूँ। आम खाओगे बेटा? आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। मैं ठीक हूँ। मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रही, आज से ही छुट्टी पर चले जाइए। और देखते ही देखते साल खत्म होने आया। आज हम सब बस से जाएंगे। तुम प्रेग्नेंट हो जी? एडम, ये मेरी मॉम और सिस्टर्स हैं। तुमसे मिलकर वाकई बहुत अच्छा लगा एडम। मेरे दोस्त बनोगे? ये क्या है? आई मिस्ड यू। मैं तुम्हारा गुस्सा कम करने के लिए मैं क्या करूं? मैं गुस्सा नहीं हूं ओटिस, मैं सिर्फ डिसअपॉइंटेड हूं। मैं हमेशा से यही सुनना चाहता था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं। आई लव यू। आई होप तुम जवाब। मैसेज डिलीटेड। देखते हैं सेल मॉडल में कहानी आगे कैसे बढ़ती है। मैं हूं आपका अपना एरिक एफियन। और मैं हूं ओटिस मिलबर्न। मेरा भाई।